से हम जा रहे थे, 2 साल हो गए। नादवारे भी गए, वहाँ पे बोलते है आ जाएगा आ जाएगा। और नादिलवाड़े भी यहाँ पंचायत में यहाँ भी गए, यहाँ भी पेंसिल चालू नहीं हो रहा। सरपंच साहब बोले गए बोलेगा आ जाएगा। हम नादवारे से भी घूम गए, 2 साल हो गया, पेंसिल बंद हो गया, आयरिंग। तो आपको क्या लगता है क्यों बंद होगी पेंसिल आपकी? ये तो बताते नहीं आगे क्या आ जाएगा बोले ना। बोलते तुम्हारा बैंक का खाता इसमें है, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। खाता भी 2-3 देर चेंज करवा दिया हमारा। अच्छा, कौन सी पेंसिल मिलती है आपकी मम्मी को? हमारा वो विधवा में। कितने साल से पहले मिल रही थी पेंसिल ये? पहले 2 साल पहले तो मिली थी, 2 साल तो बंद हो गया। 2 साल में तो अप्रैल महीने 2018 को मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, घोड़ा में रहने वाली हंसी बाई जिनकी 2 साल से पेंसिल नहीं मिल रही थी। मैंने उनके साथ मिलकर एक लिखित पत्र तैयार किया, वह ग्राम पंचायत में पेंसिल के अधिकारी को दे के आए। साथ ही उसे मैंने बनाई गई वीडियो को भी व्हाट्सअप की। मेरी इस वीडियो से यह बदलाव आया कि आज उन्हें 3 महीने की एक साथ पेंसिल मिल चुकी है, अब मिलना शुरू भी हो चुकी है। समस्या को हल करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, कहाँ कहाँ गए आप लोग? हम नादवारे गए, हम दिलवाड़ा पंचायत में गए, नोट भी गए और चटाबाद में भी कागजात दिए, फिर चालू अब हुई। आपने हमारे यहाँ पे वीडियो शूटिंग लिया और वर्कशॉप पर दिया, फिर आप 2 महीना से आप 1 महीना हो गया आप आए, हमारा वो काम पेंसिल चालू करवाए। मेरी इस वीडियो से बदलाव आने से मुझे बड़ी खुशी मिली है। मैं आगे भी जाकर ऐसी महिलाओं की और सहायता कर पाऊंगा और मुझे आगे भी काम करने की प्रेरणा मिली है। मैं शंभूराज सवर देरोड़ा से, इंडिया अनट के लिए।